हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाटा का सिग्ना 5530S यानी 55,000 केजी का GVW और 300 हॉर्स पावर वाला इंजन के साथ आने वाला ट्रैक्टर है जो कि 6x4 के एक्सल के साथ आता है। इसका आज अपन कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रैक्टर से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपका जो माइलेज देने वाला है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके एक्सशोरूम प्राइस है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, ये जो आपका 5530S है दो मॉडल के अंदर आता है, एसी और आपका दूसरा नॉन एसी। इसके अलावा आपका 6x4 प्लस या 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये मिल जाता है, मतलब काफी सारे ऑप्शन के साथ आपको मिल जाता है। और उसी को अगर जो आपका प्राइमा केबिन है उसके अंदर भी आप जो 5530 है उसके अंदर भी आप इसको परचेज कर सकते हो। सेम मॉडल आपका एसी और नॉन एसी दोनों के साथ आपको ये अवेलेबल हो जाता है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट के फेस से। फ्रंट का फेस देखोगे तो सामने देख पा रहे हो यहाँ पे आपको बड़ा सा विंड स्क्रीन एरिया मिल जाता है जिसके अंदर आपको जो विजिबिलिटी है वो काफी शानदार रहती है। और उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे आपको दो वाइपर दिए जाते हैं। उस साथ में देखोगे इधर के जो वाइपर है उसके अंदर आपको स्टेबलाइजर रोड भी दी जाती है जिसके अंदर आपका जो वाइपर है आपका फिक्स रहता है, इधर की साइड ना भागे और इसकी जो क्लीनिंग वो काफी शानदार हो जाती है। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर की साइड दो जो वॉशर जेट यहाँ पे आपको इसके अंदर दिए जाते हैं जिसके अंदर जो पानी वगैरह का फ्लो रहता है वो यहाँ से चला जाता है और जो विंड स्क्रीन है आपकी वो आसानी से क्लीन हो जाती है। इसके साथ नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो एयर के इंटेक के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है जिससे क्या होता है जो ब्लोअर वगैरह रहते हैं काफी अच्छी हवा जो मतलब जो ठंडे इलाके हैं उसके अंदर आपको एसी की जरूरत ना हो तो यहाँ पे आप जो ब्लोअर है उससे भी अपना आप काम चला सकते हो और बाहर की जो हवा रहती है इससे क्या होता है केबिन एरिया है वो आप इसमें ठंडा रख सकते हो। इसके साथ आते हैं अगर आपको जो विंड स्क्रीन है मैनुअली अगर क्लीन करनी हो हाथ से क्लीन करनी हो तो क्या करना रहता है, यहाँ से इस हैंडल को पकड़ के ऊपर चढ़ के यहाँ से आप जो विंड स्क्रीन है वो आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे देखते हो रिफ्लेक्टिव टेप मिल जाती है जो कि दिखने में काफी अच्छी दिखती है। फ्रंट की साइड आपको हमेशा व्हाइट कलर की मिलती है और साइड के प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पे आपको येलो कलर की और बैक साइड के अंदर हमेशा रेड कलर की रेडियम पट्टी आपको इसमें मिल जाती है। इसके अंदर क्या जो RTO की नॉर्म्स है उसी के हिसाब से आपको फ्रंट के अंदर आपको ये जो ये व्हाइट वाली पट्टी इसके अंदर लगाई जाती है। इसके साथ देख सकते हो यहाँ टाटा का जो लोगो है शानदार जो क्रोम के साथ है और इसके साथ देखते हैं टाटा की बैचिंग और टाटा का जो लोगो है वो काफी शानदार इसके अंदर दिया था। लुकिंग वाइज देखते तो काफी शानदार लगने वाला है। इसके साथ देखे जो फ्रंट का जो लुक है यहाँ पे आपको स्माइल फेस के अंदर आपको ये जो घोड़ा नजर आने वाला है यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पे मतलब स्माइल फेस दिखाता है मतलब एक हंसता हुआ ट्रैक्टर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लुक देख सकते हो ये काफी शानदार बनाता है इस ट्रैक्टर को टाटा के सिग्ना 5530 को। लुकिंग वाइज बहुत शानदार है। इसके अंदर ग्रिल्स दी जाती है इससे क्या होता है कि आपका जो फ्रंट से जो एयर आती है एंड का इंटेक होता है जितना ज्यादा एयर का इंटेक होता है उतनी ज्यादा आपको जो इंजन है और रेडिएटर वगैरह है वो काफी अच्छे से ठंडे होता है जिससे क्या होता है आपकी फ्यूल की जो एफिशियंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है साइड आते हैं यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी मेटल का बना बंपर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल पीस में ना मिलके तीन थ्री पीस के अंदर आपको ये बंपर मिल जाता है। उससे फायदा ये रहता है कि अगर आपकी गाड़ी साइड से कभी टच होता है इधर वाला का पोर्शन कभी टच होता है तो क्या होता है यहाँ पे जो इतना पोर्शन है उतना ही आपको चेंज करने की जरूरत ही अदर वाला पोर्शन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या होता है मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो भी आपकी इसमें कम हो जाती है। इसके साथ देखे तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। साथ में देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर आपको मिल जाता है। शायद यहाँ पे अगर DRLs होती है तो काफी शानदार यहाँ पे फीचर्स टाटा सिग्ना को चार चांद लगाने वाला होता। टाटा को शायद इस अपने जो आने वाले जो मॉडल्स है उसके अंदर आपको DRLs के शायद मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा अगर DRLs अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। इसके साथ में आते हैं बीच में देखे तो यहाँ पे देख सकते हो अगर कहीं गाड़ी में कुछ टो वगैरह करना है या फिर गाड़ी कहीं फंसती है तो क्या करते हैं यहाँ पे अगर जो गाड़ी को टो करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। काफी हैवी ड्यूटी टो मिल जाता है यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। और इधर की साइड देखिए तो यहाँ पे आपको नीचे साइड आते तो एक दूसरा बम्पर है काफी हैवी ड्यूटी बम्पर इसके अंदर दिया जाता है जो कि सेफ्टी का आपका इसका काम करता है। लुक वाइज देख सकते हो फ्रंट का जो ओवरऑल लुक है काफी शानदार इसके अंदर घोड़े का नजर आने वाला है जो कि सिग्ना है और सिग्ना का 5530 घोड़ा है जो कि 55,000 केजी के GVW के साथ आता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ से साइड प्रोफाइल इसमें कॉर्नर पे आपको एयर कटिंग के लिए यहाँ पे आपको इसे ये दिया जाता है जिससे क्या होता है आपकी जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी काफी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको जो RPMs वगैरह है उसकी आपको इसके अंदर भरमार मिल जाती है। इधर की साइड आपको चार RPM मिल जाते हैं जो भी आपका ब्लाइंड स्पॉट मिलता है या फिर साइड का ब्लाइंड स्पॉट मिलता है या फिर आपका फ्रंट की साइड ब्लाइंड स्पॉट मिलता है उसको कवर करने के लिए आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर है इधर की साइड मिरर मिल जाता है। पीछे के लुक के लिए यहाँ पे आपको दो मिरर यानी कंडक्टर साइड आपको
चार आरवी में इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो आपका व्यू है पीछे का वो आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके साथ देखते हैं ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉप रूफ मार्कर आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको जो रेडियम की जो पट्टी है, येलो कलर की जो पट्टी है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसके अंदर फेंडर के ऊपर यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाता है। और जो व्हील आर्च की बात करो तो लुक वाइज देखते हो काफी शानदार लगती है। अब आते हैं दोस्तों इसके टायर और फ्रंट के टायर और एक्सल के बारे में। इसके अंदर टायर्स की बात करो 295/90R20 के टायर इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसके अंदर देखे बात करें एक्सल की तो यहाँ पे आपको 7 टन हैवी ड्यूटी रिवर्स इलियो टाइप का फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके फ्रंट के सस्पेंशन की तो फ्रंट के अंदर आपको पैराबोलिक सस्पेंशन इसके अंदर नजर आने वाला है, जिसमें आपको 3 लीफ स्प्रिंग आपको इसके अंदर दी जाती है जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। काफी हैवी ड्यूटी लीफ स्प्रिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और साथ के साथ देखोगे तो यहाँ पे आपका शोक अब्जॉर्बर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक देख सकते हैं साइड का प्रोफाइल का टायर का कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पीछे की साइड की। पीछे की साइड सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग ऑयल का जो कंटेनर है वो मिल जाता है, जिसके अंदर जो ऑयल वगैरह रहता है वो आप आसानी से चेक कर सकते हो। और इसके साथ नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको मड फ्लैप इसके अंदर मिलने वाला है। मड फ्लैप देख सकते हो, इससे क्या होता है कि आपका जो गाड़ी के फ्रंट के टायर से जो कीचड़ वगैरह उठलता है उससे क्या होता है जो गाड़ी वगैरह गंदी होने के जो चांस वगैरह काफी कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्साइड एक्सप्रेस की बैटरी जो कि 24 वोल्टेज के साथ आती है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको कवर किया गया। अगर आप कहीं गाड़ी बंद करके कहीं खाना वाना खाने जा रहे हो या रात को कहीं सो रहे हो तो यहां से आपने जो गाड़ी है उसको मैन्युअली आप इसको स्टॉप कर सकते हो, बैटरी कट ऑफ करके आप उस गाड़ी को कहीं पे जा सकते हो। नीचे की साइड देखिए तो यहां पे आपको काफी हैवी ड्यूट काफी बड़े एयर टैंक यहां पे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एक आपका बैटरी के नीचे की साइड मिल जाता है और एक साइड दूसरी की बैटरी की साइड की अंदर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। मतलब टोटल 2 एयर के टैंक यहां पे आपको प्रेशर टैंक आपके अंदर मिलने वाले हैं। पीछे की साइड आते हैं यहां पे आपको जो स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्पेयर व्हील की साइज की बात करूँ यहाँ पे 295/90R20 की साइज का भी यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है आसानी से इस टायर को आप आसानी से खोल सकते हो, इससे क्या आप काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लीवर वगैरह लगाता है टायर जो खोलते वो लीवर लगा के इसको आप आसानी से खोल सकते हो। अगर गाड़ी को रिप्लेस अगर टायर वगैरह पंचर होता है तो आसानी से फिट भी कर सकते हो। पीछे की साइड आते हैं इसके जो ये जो घोड़ा है आपका 6x4 एक्सल के साथ आता है। पीछे के जो दोनों एक्सल है दोनों लाइव एक्सल आते हैं और इसमें दोनों एक्सल के अंदर आपका जो टायर है 295/90R20 के टायर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बात करें इसके सस्पेंशन की तो रियर के अंदर आपको सेमी एलिप्टिकल मल्टी लीफिंग आता है जो कि बेल क्रैक मैकेनिज्म के साथ आती है। और यही जो आपका ट्रैक्टर है आप बोगी सस्पेंशन के अंदर भी आप इसमें परचेज कर सकते हो। इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपका जो रेट का वेरिएंस रहता है और जो एक्स्ट्रा पे करके आप बोगी सस्पेंशन वाला जो मॉडल है वो भी आप इसमें परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग है वो आप देख सकते हो काफी हैवी ड्यूटी स्प्रिंग आती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो बेल क्रैक मैकेनिज्म आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हो और यहाँ पे जो टायर्स वगैरह वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। बैक साइड की व्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैक साइड का जो लुक है कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको नजर आने वाला है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको LED लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। मतलब क्या है कि पहले आपको जो हैलोजन बेस्ड टेल लैंप्स आते थे यहाँ पे आपको हैलोजन से हटा के LED टेल लैंप्स यहाँ पे आपको मिलने वाले जो की एक अच्छी चीज टाटा अपने इस ट्रैक्टर के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रही है। नीचे की साइड देखोगे यहाँ पे आपको जो स्टॉपर 2 स्टॉपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक्स के एक्चुएटर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे जो फिफ्थ व्हील कपलिंग है जोस्ट कंपनी की हैवी ड्यूटी फिफ्थ कपलिंग यहाँ पे आपको इसके अंदर दी जाती है। अंदर का जो लुक है वो चेक कर सकते हैं, रियर का जो एक्सल है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। दोनों ही हैवी ड्यूटी रियर एक्सल आपको मिल जाते हैं जो कि 6x दोनों जो एक्सल है लाइव एक्सल के साथ आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पे जो साइड का प्रोफाइल है वो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके चेसिस की। इसके अंदर आपको लेडर टाइप का चेसिस इसके अंदर मिलने वाला है। अब बात करें इसके जो डायमेंशन की तो यहाँ पे इसकी हाइट की बात करो तो यहाँ पे आपको 285 mm की हाइट मिल जाती है। और इसके जो इसके फ्लेंज की यहाँ पे चौड़ाई की बात करो तो यहाँ आपको 65 mm है। और इसकी मोटाई की बात करो तो यहाँ पे आपको 7 mm की आपको मोटाई मिल जाती है। मतलब 285 × 65 × 7 mm की मोटाई के साथ आपको काफी हैवी ड्यूटी चेसिस आपको मिल जाती है। और इसका जो आपको रिविट कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिविट के साथ आती है। और अंदर की साइड देखो तो यहाँ पे आपको अंदर की साइड हेल्पर जो प्लेट्स वगैरह है वो भी आपको मिल जाते हैं। मतलब इस घोड़े के अंदर आपको काफी हैवी ड्यूटी चेसिस यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और साथ साथ देख सकते हो काफी हैवी ड्यूटी आपकी जो फिफ्थ व्हील कपलिंग है वो मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल से देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आपको ये जो घोड़ा है आपका हब डिक्शन वगैरह
साइड प्रोफाइल से देखें तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। और सेम जो ट्रैक्टर है आप यूनिटाइज बेयरिंग के साथ भी आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है आपको बाहर से जो ग्रीस वगैरह कराने की जरूरत नहीं रहने वाली है। और आगे की साइड चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो एडब्लू का टैंक है, यहाँ पे एडब्लू का टैंक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बाहर से ना काफी अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है कई बार अगर टायर वगैरह कभी बस्ट होता है तो उसके जो डैमेज होने के जो चांस वगैरह है काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आपको जो फ्यूल का जो टैंक है 365 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, मतलब इसके साथ ऑप्शन में आपको दो 365 प्लस 192 लीटर का एडिशनल भी यहाँ पे आपको जो टैंक्स वगैरह है वो आप इसमें लगवा सकते हो। मतलब यहाँ आप लो टोटल की बात करो 365 × 192, मतलब काफी जो तो 557 लीटर की कैपेसिटी के साथ भी आप इसमें परचेज कर सकते हो, जो कि आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। साथ में आपको एंटी थेफ्ट डिवाइस मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि आप डीजल अगर चोरी वगैरह रहता है तो वो भी आपके जो चांस वगैरह काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एंटी थेफ्ट डिवाइस के साथ आपको ये मिलने वाला है। और वो लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो फ्यूल वगैरह जो DF वगैरह वो यहाँ से आप फिल कर सकते हो, यहाँ से आपका एडब्लू फिल वगैरह कर सकते हो जो कि लोकेबल है। और इसके साथ आगे की साइड देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो डीजल का जो टैंक है, डीजल का जो फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, वो यहाँ पे आपको दिया जाता है। नीचे की साइड यहाँ पे आपको कभी पानी वगैरह भरता है तो यहाँ पे आपको वाटर एंड फ्यूल सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर कहीं गाड़ी अगर कहीं एयर वगैरह ले जाती है तो यहाँ से इसको खोल के जो एयर वगैरह है वो आप इसमें सही वगैरह कर सकते हो। इसके साथ पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे आपको ना जो एयर की जो सप्लाई है, पीछे जो ट्रॉली वगैरह बनती है तो उसके अंदर क्या जो एयर ब्रेक्स के साथ आती है, तो वहाँ पे आपको एयर की जो सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है एयर की जो सप्लाई की जो दो पाइप्स वगैरह वो आपको उसके अंदर दिए जाते हैं। उसके अंदर आपको अगर वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी देनी हो तो यहाँ से आपको जॉइंट दिया जाता है, उससे भी आप इसके अंदर जो सप्लाई है वो आप आसानी से कर सकते हो। इसके साथ देख पा रहे हो ये जो केबिन है, सस्पेंडेड केबिन आता है, पीछे की साइड यहाँ पे आपको शॉक अब्सॉर्बर मिल जाता है, जिससे क्या होता है अगर आप गाड़ी को लंबी राइड करते हो, कभी लंबी चलाते हो तो उससे क्या होगा कि घोड़े के अंदर जब लोड होता है पीछे की साइड तो आपका जो आगे साइड ट्रैक्टर आप जर्किंग करता है, जर्किंग करने से चांस वगैरह काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो शॉक अब्सॉर्बर के साथ आपको मिल जाता है। साथ में देख सकते हो पीछे की जो विंडो है स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, जिससे क्या होता है आपको जो सामान की जो निगरानी है वो आप आसानी से रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो LED लाइट्स वगैरह रहती है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप इसमें लगा सकते हो, जिससे क्या विजिबिलिटी रहती है काफी शानदार हो जाती है और काफी जो सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा ऊपर की साइड देखिए तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्नोर्कल रखा गया है, जिससे क्या होता है आपका फ्रेश एयर का इंटेक होता है, जितनी ज्यादा आपका फ्रेश का एयर का इंटेक होता है उतना आपका जो इंजन की जो लाइफ है काफी बढ़ जाती है। साथ साथ देख सकते हो काफी बड़ा हेयर फिल्टर आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आपको उसको चेंज करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर वाले फिल्टर आ रहे हैं डायरेक्टली आप इसको चेंज करना था, क्लीन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डायरेक्टली आपको रिप्लेसमेंट ही आता है। तो पीछे का जो ओवरऑल लुक है पीछे से एक बार फिर से आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरह का रहने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की साइड। अंदर की साइड चले तो यहाँ पे देख सकते हो साइड इंडिकेटर मिल जाता है, साथ में आपको 5530S की यानी 55,000 के जी GBW 300 हॉर्स पावर वाला इंजन मिल जाता है। और इधर की साइड देख सकते हो 2 RPM मिल जाता है पीछे के व्यू के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की साइड। अंदर की साइड देखो तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल टाइप का यहाँ पे आपको डोर लीवर आपको इसमें मिल जाता है, जिसको लॉक में अनलॉक कर सकते हो। डोर के फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ पेपर होल्डर वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ग्लास के लिए रेगुलेटर है, और ऊपर की साइड यहाँ पे हैंडल बार है, और अंदर की साइड लॉक में अनलॉक आप आसानी से कर सकते हो। और छोटा सा यहाँ पे आपको स्टिकर दिया जाता है, रेडियम दिया जाता है, जिससे क्या होता है पीछे से अगर कोई गाड़ी वगैरह आती है उसको दिख जाता है कि यहाँ पे गाड़ी का डोर वगैरह ओपन है। इसके साथ ऊपर चढ़ने के लिए देखें तो यहाँ पे आपको 3 फुटस्टेप दिए जाते हैं, जिसके अंदर एंटी स्किड टाइप के जो कि जिससे अंदर का गाड़ी को चढ़ते हो तो यहाँ पे जो स्लिप होने के चांस वगैरह काफी कम हो जाते हैं और आप गाड़ी के अंदर आसानी से चढ़ सकते हो। चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको 2 हैंडल बार दिए जाते हैं, जिससे कि गाड़ी काफी बड़ी है और चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको 2 हैंडल बार दिए जाते हैं। ये वाला काफी बड़ा है और यहाँ पे आपको छोटा हैंडल बार भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड यहाँ पे आपको एक्सेलेटर ब्रेक और पैडल की एक्सेलेटर क्लच के पैडल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पार्किंग लीवर वगैरह है उसके आपको कंट्रोल्स वगैरह इसके अंदर मिलने वाले हैं। साथ में देख सकते हो यहाँ पे आपको 4x4 का लीवर यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो मतलब यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक प्लस यहाँ पे 4x4 का लीवर आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ में साथ देखिए जो सीट वगैरह है काफी कंफर्टेबल सीट है, जिसको अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो। और साथ में साथ देखो तो यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर की साइड। ऊपर की साइड चलने के बाद सबसे पहले देखते हो आराम से सीट पे बैठ जाते हैं, और जिस हिसाब से मेरे का कद काटी उस हिसाब से मैं सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। और एडजस्ट करने के बाद
शुरुआत करते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील से। स्टेयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ पे आपको फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसके ऊपर टाटा का लोगो है और यहाँ पे सिग्ना की बैजिंग नजर आती है और साथ में आपको डमी स्विच वगैरह डमी टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स वगैरह है नहीं, अगर आप एसी मॉडल खरीदते हो तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल्स मिल जाता है और इधर की साइड आपको हेडलाइट से कंट्रोल्स इसके अंदर दिए हुए हैं। इधर की साइड आपको एसी के जो वेंट्स वगैरह वो मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी है नॉन एसी है, एसी नहीं है और एसी के साथ आती है तो वहाँ पे आपको जो वेंट्स वगैरह उसमें आपको जैसे कंट्रोल्स वगैरह आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको नॉन एसी है तो इसके अंदर 5 एसी के वेंट्स यहाँ पे आपको उसके अंदर दिए गए। डैशबोर्ड एरिया की बात करूँ तो काफी लंबा चौड़ा डैशबोर्ड एरिया, दिखने में काफी लाजवाब लग रहा है, काफी सुंदर डैशबोर्ड एरिया इसके अंदर मिलने वाला है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके क्लस्टर मीटर की। क्लस्टर मीटर देख सकते हो कुछ इस तरह का मिल जाता है। सबसे पहले देख सकते हो कुछ क्लस्टर मीटर ऑन होने के बाद का व्यू है। यहाँ पे सबसे पहले आपका टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर है, गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर है, गाड़ी के अंदर कितने वोल्टेज चार्ज है, गाड़ी कौन सी गियर में है, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर चली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको उसके अंदर मिल जाती है। इधर की साइड देख सकते हो गाड़ी कितने किलोमीटर है, कितने स्पीड में चल रही है, गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह का दिखता है आपका इसका क्लस्टर मीटर। इधर की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको जो हैजार्ड लैंप स्विच मिल जाएगा, लाइट मीडियम हैवी ड्यूटी आपको से मिल जाता है, इंजन ब्रेक के लिए स्विच मिल जाता है, अगर इंजन पे कभी काम वगैरह करते हो तो यहाँ की लाइट से यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ पे हिल असिस्ट स्विच मिल जाता है और इधर की साइड देख सकते हो यहाँ पे आपको रीजनरेशन के स्विच वगैरह मिल जाते हैं, साथ में हेल्प बटन का स्विच मिल जाता है। इधर की साइड आपका यूएसबी चार्जर है और यहाँ पे आपका ब्लोअर से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है और अंदर का जो लुक है वो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। पीछे की साइड बात करें तो यहाँ पे जो गाड़ी है स्लीपर केबिन के साथ आती है, जिसके अंदर आप गाड़ी अगर लंबे रूट पे चलाते हो तो यहाँ पे इस गाड़ी में आप आसानी से सो सकते हो, काफी लंबी चौड़ी बर्थ आपको इसके अंदर मिल जाती है। पीछे की साइड यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, जिससे क्या होता है अगर सामान अगर पीछे की साइड अगर आपको ट्रैक्टर पे कभी निगरानी वगैरह रखनी है तो आप आसानी से रख सकते हो। ऊपर की साइड देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे काफी दोनों साइड यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी, ऊपर की साइड यहाँ पे दो सनवाइजर मिल जाते हैं दोनों साइड, पर सामने की साइड यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला। अगर अब बीच में चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बीच में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कुछ ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जो कि नॉर्मल अपना जो सामान वगैरह वो आप आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे आपको दो यहाँ पे देख सकते हो 5 इस टोटल 5 एसी के वेंट्स मिल जाते हैं और आगे की साइड का लुक देख सकते हो कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। यहाँ पे अगर कभी इंजन का जो मेंटेनेंस वगैरह करना हो तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये फ्लैप वगैरह है, यहाँ पे जो इंजन जो कवर है वो उसको हटा के जो मेंटेनेंस वगैरह है वो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो गियर लीवर है जो कि 9 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स के साथ आपको मिल जाता है, तो अंदर का जो ओवरऑल लुक है वो आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसके इंजन की बात करो तो यहाँ पे आपको ISBE 6.7 लीटर कमिंस का 6 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि 224 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है आपका 2400 आरपीएम के ऊपर। और बात करें इसके टॉर्क की तो यहाँ पे आपको 1100 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 1000 से लेके 1700 आरपीएम के ऊपर। इसके अलावा बात करें इसके क्लच की तो यहाँ पे आपको 430 एमएम डायमीटर वाली क्लच प्लेट आती है, जो कि डाई फ्रिक्शन टाइप की है, उस टाइप यहाँ पे आपको क्लच प्लेट मिल जाती है, जो कि ऑर्गेनिक क्लच प्लेट आपको इसके अंदर दी जाती है। इसके अलावा बात करें इसके गियर बॉक्स की तो यहाँ पे आपको G1150 गियर बॉक्स आता है, जो कि 9 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स है, इसके अंदर आपको क्रॉल गियर भी आपको इसमें मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। इस प्राइसिंग की बात को लगभग यहाँ पे 36 से 37 लाख के आसपास की प्राइसिंग रहने वाली है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप नियर बाय डीलर पे भी आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें इसके माइलेज की तो यहाँ से इस गाड़ी से आप लगभग 2.5 से लेकर 3 तक का एवरेज यहाँ पे आप इसमें निकाल सकते हो। बात करें इसके पे लोड की तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप लगभग 40 से 42 टन तक का पे लोड यहाँ पे आप इसमें डाल के लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने इस गाड़ी से जो रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी वो कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।